अब जहां विकास के बाद चुनौती तक आ गई तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और बीजेपी के बीच भारत जोड़ो न्याय यात्रा और परिवारवाद को लेकर भी तीखी बहस छिड़ी। जहां उदयपुर से सीधा अमित शाह ने कांग्रेस के परिवारवाद पर सवाल उठाए तो यहां यूपी में मौजूद जयराम रमेश ने मोदी की गारंटी को गलत बता दिया। यानी यहाँ भी तू दाल डाल मैं पात पात का खेल जारी रहा। तो अब इन नेताओं को भी सुन लेते हैं कि ये क्या कुछ कह रहे हैं। एक ऐसा नेता है जिसका कोई परिवार ही नहीं। इस देश के 130 करोड़ लोग नरेंद्र मोदी का परिवार है। इसको किसी के लिए कुछ नहीं करना है। और सब परिवार वाली पार्टियां, मैं एक एक नेता का आपको गिनकर बता देता हूं, आप समझ भी जाओगे मेरे बोलते ही। एक साल में 3 महीना विदेश में छुट्टी मनाते हैं, बोलिए, और भारत का भला करते हैं। अरे यार छोड़ो, नाम सब जानते हैं। जानते हो तो ताली बजा दो भाई सब लोग। एक और, एक साल में 3 महीना छुट्टी मनाने वाला नेतृत्व है, विदेश में छुट्टी मनाने वाला नेतृत्व है। दूसरी ओर 23 साल तक एक भी दिन छुट्टी न मनाने वाला कर्मयोगी नरेंद्र मोदी। समग्र भारत के सामने आज मोदी जी अपने परिवार की सोचते तो देश के 60 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज हर महीने मुफ्त नहीं मिलता। देश की 12 करोड़ माताओं का चूल्हा धुआं मुक्त नहीं होता। देश की 13 करोड़ बहनों को, परिवारों को शौचालय नहीं मिलता। 3 करोड़ लोगों को घर नहीं मिलता। और इसके साथ साथ देश के 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक की दवाइयां मुफ्त नहीं मिलती। रोज प्रधानमंत्री और गृहमंत्री बेमतलब की बातें करते रहते हैं, बेबुनियादी इल्जाम लगाते रहते हैं विपक्ष पार्टियों पर, खास तौर से कांग्रेस पार्टी पर और खास तौर से कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर। तो ये सब ठीक है, ये चलता रहता है, पर असली बात ये है, असली मुद्दा क्या है? असली मुद्दा ये है कि प्रधानमंत्री देश को अमृतकाल के नाम पर गुमराह कर रहे हैं। और हम क्या कह रहे हैं, पिछले 10 साल अन्याय काल का हुआ है। किसानों पर अन्याय, नारी पर अन्याय, युवाओं पर अन्याय, श्रमिकों पर अन्याय, और जो सामाजिक न्याय जो होना था वो नहीं हुआ है। आप देख रहे हैं किसानों पर क्या अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है दिल्ली में। आप देख रहे हैं कि पिछले 45 सालों में जो बेरोजगारी का दर है पहले कभी नहीं हुआ करता था, और हर 2 घंटे एक युवा आत्महत्या करता। हमने देखा प्रयागराज में लाखों युवक सड़क पर आए थे पेपर लीक की वजह से। यहाँ अमेठी में, रायबरेली में सब युवा चाहते हैं कि भाई हमारी यहाँ फैक्ट्रियाँ नहीं लग रही हैं, व्यापार नहीं हो रहा है, नोटबंदी की वजह से सब लघु और छोटे कारखाने बंद पड़े हुए हैं, कोई पब्लिक सेक्टर कंपनियां नहीं आ रही हैं। इस हालात में प्रधानमंत्री को जो कुछ कहें वो खोखला होता है। तो मैं नहीं, ये तो चुनाव के लिए कह रहे हैं, चुनाव के लिए कह रहे हैं। पर देखिए, प्रधानमंत्री कहते हैं मोदी की गारंटी, पर जब मोदी की वारंटी खत्म होती है तो मोदी की गारंटी की क्या बात है?